दोस्तों, देश के पूरे बजट से करीब करीब 61,000 करोड़ रुपए अकेले बिहार को मिले हैं ताकि यहाँ पर सड़कें, एक्सप्रेसवे, पुल, एयरपोर्ट, पावर प्रोजेक्ट बन सके। इसके अलावा बिहार को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफी मेहरबानी दिखाई है, इस पर नीतीश कुमार भी काफी खुश हैं। आइए जानते हैं बजट का ये एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बिहार में किन किन जगहों पर लगने वाला है और बिहार में आने वाले टाइम में क्या क्या डेवलपमेंट होने वाली है। सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से बिहार में 4 नए एक्सप्रेसवे बनाने के प्रपोजल दिए गए हैं। इसके लिए 26,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पटना से पूर्णिया के बीच एक्सप्रेसवे बनाने के लिए फंड देने का ऐलान किया है। इसके अलावा बक्सर से भागलपुर के बीच भी हाईवे बनाया जाएगा, साथ ही बोधगया से राजगीर, वैशाली होते हुए दरभंगा तक हाईवे बनेगा। इसमें इंक्लूडेड है बक्सर में गंगा नदी के ऊपर 2 लेन का एक पुल भी। ये डेवलपमेंट्स अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट को काफी बढ़ावा देंगे। इसके बाद बिहार में बनेंगे नए मेडिकल कॉलेज और स्टेडियम्स। इनके साथ साथ एयरपोर्ट्स में भी इन्वेस्ट किया जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 21,400 करोड़ रुपए की लागत से बिहार के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का नया बिजली प्लांट स्थापित किया जाएगा। सरकार बाढ़ से निपटने के लिए बिहार को 11,500 करोड़ रुपए देगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने काशी की तर्ज पर बिहार के गया में विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का निर्माण करने का फैसला किया है। राजगीर का काफी विकास किया जाएगा। बिहार में नालंदा को टूरिस्ट सेंटर के रूप में विकसित करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट काफी सहयोग करेगी। तो ये हैं दोस्तों बजट की मेन मेन इन्वेस्टमेंट जो कि बिहार में होंगी और टोटल मिलाकर 61,000 करोड़ रुपए बांटे गए हैं।